तो आ, मैं ये जानना चाहता हूँ बदतमीजी से माइंड <laughs> पे क्वेश्चन आया वैसे मैं इसको फ्रेम वैसे नहीं करूंगा बट लड़कों का नेचर ऐसा होता है कि जिसके फैन बन गए ना हाँ. तो फिर वो कट्टर फैन बन जाते हाँ. हैं फिर वो पीछा करना स्टॉक करना प्रोफाइल पे डीएम करना हाँ. तो वैसे कुछ फैन मोमेंट्स ऐसे रहे हैं नेगेटिव वाले कि आप डर गए हो कभी तो कि यार बहुत ये तो बहुत, बहुत, बहुत ही तो कुछ याद आ रहा है कोई किस्सा हाँ हम लोग रोहिणी में थे तो हमारी गाड़ी ऐसे जा रही थी तो सामने वाली गाड़ी में से एकदम चारों गेट खुले हैं और वो चारों लड़के गाड़ी की तरफ भागे मका भाई ये क्यों आ रहे हैं ऐसा ठक ठक करा तो फिर भाई कहता हाँ भाई क्या दिक्कत है मैडम गला फोटो करानी थी अरे प्यार प्यारते क्या देते डराया हाँ। क्यों तो ये बहुत एक वो हो जाता है और एक बार क्या हुआ मैं जब फरीदाबाद में रहती थी वो मेरे को बहुत डर गई थी मैं उस वक्त कि भाई आज तो घर वाले पेल देंगे तगड़ा आज तोड़ेंगे मुझे क्या हुआ वैलेंटाइन का टाइम था तो एक पार्सल मेरे घर के बाहर रख गया और उस पर लिख दिया फॉर माय लव अच्छा फ्रॉम योर लव मम्मी कहती इधर आ कहती ये क्या है आज की कौन सी आज की चटनी मैं दौड़ी मगर ये क्या हो गया मेरे साथ मगर मम्मी मेरा नहीं है कह निकालो चप्पा सच बता रही है मुझे इंडस्ट्री में दो साल हो गए थे और हाँ, मतलब थोड़ा बहुत नाम बन गया था ऊंची हवेली एक दो गाने अच्छे-अच्छे आ गए थे फिर भी मम्मी रिमांड उतारने पे वाले के लिए तो भाई जब वो खोला तो उसमें से निकलता है गुलाब एक टेडी बियर एक दिल वाला वो तकिया जिसपे मेरी फोटो है मैं मम्मी कहती क्या है ये सब भाई साहब मम्मी को मनाने में तीन दिन लग गए थे सिर्फ ये विश्वास दिलाने में कि ये मेरा नहीं है और दो दिन तो रोटी भी नहीं मिली <laughs> दो दिन तो रोटी नहीं मिली क्या खाया था फिर पिज्जा तो एक कमरे में घेर दिए गए हम इस तरीके से तो कुत्ता तो कहती सच्चाई बता दे किसका है फिर एंड ऑफ द डे जब उस लड़के का मुझे डीएम आता है हाँ। तो मैं रात के तीन बजे जाके भाई और मम्मी को उठाती कि देखो ये मेरा नहीं था फिर मेरी मम्मी ने से रिकॉर्डिंग गाली बकी थी oh oh की औलाद oh लड़की का तो ये तो ये भेज रहा है उस उस फैन से मुझे हो मुझे ऐसा था बेटे तुम मिल तुझे तोड़ूंगी मुझे कहीं दिख गया गया ना तू तू अच्छा वैसे तो, आपके भाई की तो बहुत हैवी ड्यूटी लग जाती होगी आपके चक्कर में कितने तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे आई वेरी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा भाई मिला है क्योंकि उसने उस इंसान ने मेरे लिए अपनी लाइफ ड्रॉप करी है हम hmm. मैं अभी तक का जितने भी अपने शूट करे हैं मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई शूट नहीं जैसे मेरा भाई ना हो हम लोग जब फरीदाबाद रहते थे तो हम लोग जब हमें पंद्रह हज़ार रुपये वो मिलती थी एक गाने की पेमेंट तो हम लोग यहाँ से ट्रैवल करते थे चंडीगढ़ सुबह चार बजे निकल के क्योंकि आठ बजे कॉल टाइम होता था फिर वहां से शूट करके रात को बारह बजे वापसी घर आते थे सुबह चार बजे लगते थे तो वो सोता नहीं था अब पंद्रह हजार रुपये मिलते थे दो तीन हजार का तेल hmm. दो तीन हजार के कपड़े आते थे क्योंकि उस वक्त डिजाइनर्स नहीं होते hmm. थे दो तो तीन साल पहले की बात है तो गिनती के चार पाँच हजार बचते थे और इतनी पॉकेट अलाउ नहीं थी कि hmm. भाई हम बाउंसर्स रख लें hmm. या अपने मेकअप आर्टिस्ट रख लें या अपने साथ और एक दो लोगों को रखें फैमिली में भी सब लोग अपनी अपनी लाइफ में थे तो मैं और मेरा भाई शूट पे जाते थे वो तीन चार हजार बचते थे दिन के तो भाई का वैसे हमेशा आज तक कहते बाइक खड़ी है चलानी चलानी तो छोड़ते हमने रील तो देख ही हमें मुझे शुरू से बाइक चलाने दी है मेरे भाई ने सिखाई है और मुझे टेंथ क्लास में बाइक चलानी सिखा दी थी कि जाओ भाई ने बहुत सपोर्ट करा आज भी मैं वरना चलाती हूँ अपनी कई बार तो कहते हैं ना तू फॉर्चुनर ले जा मैं जिप्सी लेके जा रहा हूँ भाई अच्छा है मेरा पर कई बार उतार देता भूत मेरा <laughs> ये तो <राई> हो गया <laughs> कई बार तो मतलब अगर जैसे किसी गाने में उसे मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे ना। नहीं बोलता कि मैडम आपकी एनर्जी डाउन है वो आएगा इधर महा भाई मजा नहीं आ रहा क्या कर रही है तू <laughs> ये तो वो वाला सीन हो गया वेलकम मूवी नहीं भी नहीं होता वो क्या चल रहा है भाई <laughs> <laughs> जब मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूं तो ही विल लाइक अच्छा नहीं लग रहा मजा नहीं आ रहा तेरी परफॉर्मेंस में और अच्छा